अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और जबरदस्त ट्यूटोरियल नहीं, आज एक जबरदस्त बुक लेकर आया हूं आपके लिए। और ये बेसिकली अरेबिक टू इंग्लिश और इंग्लिश टू अरेबिक बुक है। अगर आप अरेबिक सीखना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है और अरेबिक सीखना चाहते हैं, तो ये आप बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। और अगर आपकी उर्दू वगैरह का मसला है कि उर्दू ही है, उर्दू सब कुछ, और इंग्लिश लैंग्वेज कमज़ोर है, तो उसके लिए फिर आपको कोई और बुक देखनी पड़ेगी। वेरी सिंपल। लेकिन ये जो बुक है, इसमें जो इंग्लिश यूज़ की गई है वो इतनी मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही आराम के साथ इसको पढ़ सकेंगे। और इसमें बहुत ही इसमें जो अरेबिक वर्डिंग है वो भी इंग्लिश में भी दी गई है। ये बेसिकली चार्ल्स बेरलेस की बुक है। और ये जो इसका जो रियल जो लैंग्वेज 30 के नाम से आती है, एजुकेशन सर्विस वाशिंगटन डीसी की है ये बुक। और जो बुक का नाम है यस फ्रेज डिक्शनरी एंड स्टडी गाइड अरेबिक। इनकी और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस के लिए बिल्कुल इसी अंदाज में लिखा होगा, जैसे जैपनीज के लिए भी है और बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन बहुत ही जबरदस्त बुक है। और असल में ये जो पूरा कोर्स है, ये सिर्फ बुक ही नहीं है, ये ऑडियो में भी है। लेकिन ये है कि ऑडियो की अब जब ऑडियो के लिए आप जाएंगे तो आपको फिर खरीदना पड़ेगा। तो ये बुक यहाँ पर फ्री मिल रही है, तो फिर इसी से स्टार्ट कर दें। जब आप स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो खुद ही आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो हम चंद जो अल्फाज हैं उसको उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उन अल्फाज का क्या मतलब, क्या चीज बुनियादी चीजें मालूम होनी चाहिए, या बंदा इंटरेस्ट के लिए वो सोचे। ए फ्यू वर्ड्स फ्रॉम चार्ल्स बेरलेस वर्ड फेमस वर्ड फेमस लैंग्वेज। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द कैसेट कोर्स। बेसिकली कैसेट कोर्स है, लेकिन ये फिगर ना करें, ये बुक भी बहुत अच्छी है। कैसेट कोर्स यू हैव चूजन टू स्टडी, इन इट यू विल फाइंड द बेसिक फ्रेजेस नीडेड फॉर कम्युनिकेशन। इन दिस लैंग्वेज देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। बी इंटरेस्टेड इन द पीपल। आप जहाँ की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, वहाँ के लोगों में भी दिलचस्पी आपको लेना होगी कि वो किस, क्योंकि हम कुछ अल्फाज, जैसे आप किसी आपको किसी जैसे उर्दू पे अगर आपको उबूर हासिल है, तो आपके चेहरे के इम्प्रेशन उनके अपने अल्फाज के साथ वो जो अदा करते हैं वो भी बुनियादी अहमियत के हामिल होते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको लोगों के जो अंदाज हैं उसको समझना, और उस पर लोगों को समझना ये भी जरूरी है। इसलिए उनमें इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। बी इंटरेस्टेड इन द पीपल देयर कंट्री। उनकी जो उस मुल्क में, यानी पीपल उधर के लोग, उधर की जो मुल्क है, एंड लैंग्वेज, वांट टू लर्न द लैंग्वेज। अगर आप ये कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो ये बुनियादी चीजें हैं। प्रैक्टिस इट एज ऑफ्टन एज यू कैन, नथिंग इज मोर इफेक्टिव इन क्रिएटिंग ए फ्रेंडली एटमोसफेयर। आप जब तक कोई दोस्ताना माहौल पैदा नहीं करेंगे, तो आप जितनी भी चीजें अदार प्रैक्टिसें कर लें किसी भी जबान या किसी भी चीज की, तो वो उस वक्त तक उसमें कामयाब नहीं हो सकते। एंड नथिंग फ्लैटर पीपल मोर देन वेन ए फॉरनर ट्राइज टू स्पीक देयर लैंग्वेज। तो ये चंद चीजें हैं जो कि इसने लिखी हैं, और भी आगे है इसके बारे में। और इसमें उसने बताया भी है कि क्या किस तरीके से करना है, या आप खुद भी पढ़ सकेंगे। तो मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको, और ये बॉस इंट्रोडक्शन में भी है ये कि किस तरह इसने लैंग्वेज के स्टार्ट किया। तो बुनियादी जो चीज है उसमें ये है कि इसमें जैसे जैसे इंग्लिश कोर्स जहाँ से ये स्टार्ट होता है, तो इसमें बेसिकली इंग्लिश अरबिक है। तो साथ में देखें, ये गुड मॉर्निंग,
हसन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उसने, जैसे हम रोमन उर्दू लिखते हैं, रोमन इंग्लिश लिखते हैं, इसी तरह ये इधर लिखा हुआ है सबाल सबाल खैर या हसन, और इधर देख लें अरबी में लिखा हुआ सबाल खैर या हसन, और गुड मॉर्निंग हसन, और ये गुड आफ्टरनून हसन, और इधर देखें मसाल खैर, ये अरबी को इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ, तो आगे ये है कि अगर आप अरबी नहीं पढ़ सकते तो आप आसानी के साथ इसको मतलब पढ़ सकेंगे। मसाल खैर यानी शाम के लिए है, हाउ आर यू सर, एंड इधर हाउ आर यू सर लिखा हुआ है, और इधर इधर की जो अरबी जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई है ताकि आप इजीली समझ सकें। कैफा हालक या सैयदी, और कैफा हालक या सैयदी थी, तो ये जो है सर और मैडम के लिए अलग अलग से है। तो ये बहुत ही जबरदस्त बुक है, और बहुत ही आजकल की जो लैंग्वेजेस है उनके हिसाब से, मतलब ये इधर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है आजकल, और जो सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर काफी हद तक ये उससे करीब, बिल्कुल वैसी नहीं है। कोई भी आजकल आप बुक उठा लें आपको ऐसी बुक नहीं मिलेगी, और यहाँ से आप इसमें इसमें जैसे पढ़ते जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको इंटरेस्ट आता जाएगा, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो हालात हैं, कहाँ जाता है बंदा ऑफिस में या कहाँ पर, तो वो उसमें कम्युनिकेशन या जो भी है वो इसमें सब की सब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखें, ये सब है। असल में ये बुक यहाँ से जूम नहीं है, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप देखेंगे फुल व्यू में तो आपको ये सही दिखेंगी। तो बहुत ही जबरदस्त बुक है, आप एक दफा इसको पढ़ के देखें तो इससे बहुत आपको फायदा होगा आपकी, जो अगर आप वाकई ही सीखना चाहते हैं ये, और तो ये आपको बहुत फायदा देगी। तो डाउनलोड करने के लिए आपको जब इस बटन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह ये आएगा कि आई एम नॉट रिबोर्ड, यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर देगा, जैसे ये ऊपर आइसक्रीम की दी है, तो अब ये आइसक्रीम की आपने यहाँ सिलेक्ट करनी होगी, जैसे ये है, और ये सिलेक्ट करके आप वेरीफाई कर देंगे, बाद के बाद कंफर्म आप करेंगे तो आपको डाउनलोड ये दे देगा। तो मैंने डाउनलोड की हुई थी, तो ये दो बुकें मैंने डाउनलोड की हैं अभी, ये वाली बुक है। तो डाउनलोड होने के बाद देखें अब क्लियर आपको ये दिखेगी बुक, और ये बहुत ही जबरदस्त बुक है, इधर काफी क्लियर दिख रहा है, और इसमें हेडिंग्स वगैरह भी काफी क्लियर दिख रही हैं। तो जैसे ये है पर्सनल नीड्स, जो अपनी बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, मुख्तलिफ किस्म के उसने मजमून बनाकर इस बुक को टाइम नंबर्स कलर उसमें दिया हुआ है, और ये आपको ये आप जब भी इसको पढ़ेंगे आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी, तो इसको इसको जो मैंने आपको तरीका बताया डाउनलोड करने का, उससे डाउनलोड कीजिए और आज ही इसको पढ़ना स्टार्ट।